बड़वानी जिले के नगर में 1 किलोमीटर दूर जलखेड़ा रोड पर 2,25,00,000 रुपए की लागत से बने 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन करीब 1 साल से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक अस्पताल भवन नए भवन में शिफ्ट नहीं होने से पुराने भवन में ही अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, जिसे नगर वासियों की मांग पर महात्मा गांधी की जयंती पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया गया, जिसमें नगर सहित क्षेत्र के करीब 20-25 गांवों के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। 2 मंजिला बने नए भवन के अंदर जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम, लेबोरेटरी, रिसेप्शन हॉल एवं ऊपर नीचे अलग अलग शौचालय भी बने हैं। साथ ही दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा भी है। अस्पताल परिसर में ही डॉक्टर व स्टाफ नर्स के लिए 2 क्वार्टर बनाए हैं। साथ ही अस्पताल के पिछले हिस्से में पोस्टमार्टम रूम भी बनाया है। वर्तमान में पोस्टमार्टम रूम गोई नदी के किनारे किया जाता था। अस्पताल भवन के आसपास बाउंड्री वॉल भी बनी है। एम्बुलेंस व अन्य वाहनों की पार्किंग की भी उचित व्यवस्था है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलसूत के नवीन भवन का शुभारम्भ गांव के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है और आज दिनांक से ही अस्पताल का पूरा संचालन इस नई बिल्डिंग में पूरी तरीके से संचालित हो जाएगा। कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष किया। ये 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा होता नहीं है, परंतु पूर्व सरकार शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेंक्शन करके बजट प्रस्तावित किया और आज ये 30 बिस्तरों वाला अस्पताल फलसूद को एक सौगात के रूप में मिला है। इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया और वो मांग शासन ने हमारी स्वीकार की और ये पूरे आदिवासी बेल्ट जो है फलसूद के आसपास, उनको ये लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए उनको सेंधवा बड़वानी जाना पड़ता था, उससे निजात मिलेगी, यह उपचार होगा। सभी अच्छे डॉक्टर वर्तमान में भी हैं और आगे भी भविष्य में है, तो यहाँ स्टाफ बढ़ेगा। सब तरफ की छोटी मोटी जांचें होंगी, जिससे लोगों को पैसा भी बचेगा, समय बचेगा और यहाँ इलाज होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।